क्या हुआ? सरदर्द हो रहा है? चाय ले आऊं? नहीं, एक काम करो, बेल का शरबत ले आओ। अरे रोज इस वक्त मैं चाय पीता हूँ ना। ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ। रोज पूछ के चाय देती हूँ, आज ऐसे चिचड़ा क्यों रहे हैं? चाची जी, ये चाची जी, आप ठीक तो है ना? आप तो बता, कुछ पता चला मानस के मन में क्या है? नहीं ना, सोशल मीडिया पे भी देखा। आजकल सोशल मीडिया के जरिए तो बहुत कुछ पता चल जाता है ना। हाँ, विकी के बारे में भी वहीं से पता किया था ना। आई नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मौली, एक बात बताओ, ये सोशल मीडिया पे सब कुछ पता चल जाता है? जैसे अगर कोई परेशान हो तो वो क्यों है, ये भी पता चल जाता है? ओहो चाची जी, आपको किसके बारे में जानना है? अक्षय चाचू, पूछने पे तो कुछ भी नहीं बताते, फोन ही बता दे। दीजिए फोन। पर इसका क्या करोगे? चाची जी, कई बार अपनों से जो बात कहना मुश्किल लगता है, अजनबियों से वही बात कहना दही जमाने जितना इजी होता है। सो तो है, क्योंकि कभी कभी अपने लोग सुनने से पहले राय बना लेते हैं, और अजनबी सुनने के बाद राय नहीं बनाते, समझते हैं। वाओ चाची जी, आप कभी कभी हल्के से इतनी भारी बात कह जाती हैं। पहले थोड़ा बहुत लिखा करते थे जब कॉलेज में थे, फिर शादी हुई तो सब कुछ छूट गया। चाची जी, आपको तो ब्लॉग लिखना चाहिए। वो सब हमें नहीं पता। तो ये पता कि तू ये सब क्या कर रही है, और इनसे अजनबी बन के सोशल मीडिया पे कौन बात करेगा? आप चाचा जी के लिए आप वही अजनबी बनेंगी जिनसे वो बात करके अपने सारे प्रॉब्लम शेयर करेंगे। मैंने सोशल मीडिया पे आपका फेक अकाउंट क्रिएट कर दिया है। फेक मतलब बात आप करेंगी लेकिन नाम और फोटो किसी और का होगा। फिर आप उस अकाउंट के जरिए अक्षय चाचू से बात करके उनकी सारी प्रॉब्लम पूछ सकती। ये बन गया आपका अकाउंट, और ये रहा अक्षय चाचू का अकाउंट। मैसेज भेज देती हूँ। हेलो जी, नमस्ते। मैसेज भेज दिया। हाय राम, भेज दिया मैसेज, पता नहीं क्या सोचे। रिलैक्स चाची जी, उन्हें थोड़ी पता है मैसेज आपने भेजा है। मैसेज तो सुमन के नाम से गया है ना। सुमन का मैसेज? सुमन जाने, पक्का कोई गड़बड़ नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। ठीक है, मैं चाय देख के आती हूँ। लगता है हाथ मुंह धोने गए हैं। इनका फोन तो यही है। आपकी चाय पी लीजिएगा। चाची जी, अक्षय चाचू का मूड कैसा था? कड़वा करेले जैसा। उन्हीं का मैसेजों का चेक कीजिए ना। हाँ, उन्हीं का ही है, उधर से नमस्ते भेजा है। सुपर। अब आप उन्हें
आप दोनों की पहली मीटिंग के बारे में लिखे। कैसे कैसे आप उनके दुकान पे आई थी, आप दोनों के बीच बात हुई और उनकी दिखाई साड़ी के साथ साथ आपको उनकी बातें भी अच्छी लगी थी। बात से बात निकलेगी और बात बनती जाएगी। हमें ब्याह की तैयारी शुरू करवा देनी चाहिए। थोड़ी बहुत तैयारी हुई होगी ना तो एकदम से सारा बोझ नहीं पड़ेगा। हम पूरे रीति रिवाज से मानस और मौली को दोबारा ब्याहना चाहते हैं। जानकी, ब्याह की बात है, थोड़ा समय और ले लेते और बाकी लोगों की राय का भी पूछ लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो सही है। हम आपसे माफी चाहते हैं, आपकी बात काटना हमारा धर्म नहीं है, लेकिन इस परिवार के लाने, इस घर के लाने सही फैसला लेना हमारा धर्म है। तू बाकी कहानी छोड़, मुझे बस वो नंबर दे दे। अरे हाँ हाँ, वही नंबर जिससे तुझे उस दिन किसी भाभी का कॉल आया था, होलिका वाले दिन। भाभी, नंबर नोट करी। थैंक यू सो मच, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ भाभी, नंबर तो मिल गया लेकिन अब क्या करें? जी हेलो अंकल, एक्चुअली होलिका वाले दिन ना इस नंबर पे आपके नंबर से कॉल आया था, किसी लेडी का कॉल आया था। आप बता सकते हैं कि किसने आपके नंबर से कॉल किया था? हाँ याद आया, एक मैडम आई थी मेरे पास। एक्सक्यूज मी अंकल, मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए थी। जी बोलिए। एक्चुअली अंकल, मेरे फ़ोन की ना बैटरी डाउन हो गई है और मुझे अर्जेंट कॉल करना है, तो प्लीज़ मुझे आपका फ़ोन मिलेगा? ठीक है। अंकल, कुछ नाम बताया था उसने आपको? नहीं, नाम तो मैंने नहीं पूछा उनका। अच्छा, जगह कौन सी थी, मतलब कहाँ पे हुआ था ये सब? हाँ, वो चौक वाले अग्रवाल स्वीट के पास। मैं होली की मिठाई लेकर निकल रहा था, तभी मैडम ने मुझसे मेरा फोन मांगा। थैंक यू अंकल, मैं बस 2 मिनट में वापस करती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है, तो मैं अपनी कार में बैठकर बात करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। आपने जैसा कहा, आप हमारी दुकान पे आई थी, साड़ी ली, अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। पर मैं भी ईमानदारी से आपको बता देना चाहता हूं, मन में कोई और बात मत लाइएगा, मैं शादीशुदा हूं। शादीशुदा तो मैं भी हूं, बस ईमानदारी से मुझे आपसे यहाँ पे बात करनी है, एक दोस्त की हैसियत से। चाची जी, मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज मेरे साथ चलिए। कहाँ? देखा तन्वी, कैसे चाची भतीजी बहने बनती जा रही है। अच्छा या ना, ज्योति को दोस्त बना लेगी तो राहुल का पीछा छूटेगा। एक बार मानस से शादी निपट जाए तो घर में शांति आएगी। हाँ जी जी, पर मानस को लेकर मेरा अभी भी मन नहीं मान रहा। कर भी क्या सकते तन्वी, आखिरी फैसला तो जानकी माँ का ही होगा ना, और वैसे भी मौली खुद समझदार लड़की है, अपना हित जानती है, कुछ गलत हुआ तो अपने आप संभाल लेगी। हाँ वो तो है। कहाँ लेके जा रही है? रुक रुक, क्या हुआ है बता। चाची जी, मैंने पता कर लिया है, होली वाले दिन मिनी की फ्रेंड्स को किसने बुलाया था। पता कर लिया,
कौन है और कैसे पता किया तुमने? सिंपल लॉजिक चाची, उस दिन मिनी की फ्रेंड को कॉल गया था ना किसी भाभी का, मुझे बस ये पता करना था कि वो भाभी है कौन। No way. Don't tell me, Molly, कि तुम आशना तक पहुंच गई हो। मैंने मिनी के उसी दोस्त को फोन किया जिसके पास इनविटेशन के लिए फोन आया था। जिस नंबर से कॉल आया था उस पे बात हुई तो पता चला किसी रैंडम अंकल का नंबर था, और उन्होंने बताया कि हाँ किसी लड़की ने हेल्प मांगी थी उससे, ये कह के कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और उसे एक अर्जेंट कॉल करनी है, तो अंकल ने उनका फोन दे दिया। ये तो सोची समझी साजिश है। पर अब इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है चाची जी। अंकल ने बताया कि ये बात अग्रवाल स्वीट्स की सामने की है और वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। मैंने बहुत एफर्ट्स मार के उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली और अब इसमें सब रिकॉर्डेड है चाची जी। नो, सारा गेम बिगड़ जाएगा, ये तो मुझे ही घर से आउट करवा देगी। इसमें भाभी का चेहरा छप चुका है चाची जी। तूने उस लड़की का चेहरा देखा? नहीं, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, लैपटॉप भी साथ में लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर देखेंगे। हाँ, मुझे भी देखना है उस चुड़ैल को जो मेरी बच्ची की होली खा गई। आप तब तक किचन समेट लीजिए। पेन ड्राइव चुराई तो मौली को और शक होगा मुझ पे, उससे बेटर है तोड़ देता हूँ, उसे लगेगा शायद गिर के टूट गई। आशना यार पूरे प्लान की वाट लगने वाली थी, सीसीटीवी लगा था वहां पे, हमें देखना चाहिए था ना। मौली वो सीसीटीवी फुटेज ना पेन ड्राइव में लेके आई थी। थैंक गॉड उसके फुटेज देखने से पहले वो पेन ड्राइव मेरे हाथ लग गया था। But we have to be very careful, Ashna. We have to be very careful. Otherwise, सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों आज भी साथ में हैं। मानस और आशना आज भी एक साथ हैं। मन तो कर रहा अभी जाऊं एक थप्पड़ लगाऊं बस के और सारा सच उगलवा लूं। नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगी तो फॉर श्योर कोई कहानी बना के मुझे ही गलत साबित कर देगा, हर बार यही करता है। कोई प्रूफ भी तो नहीं है मेरे पास, उस पेन ड्राइव में तो वैसे भी कोई फुटेज नहीं थी, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। ब्लफ कर रही थी मैं तो ताकि मानस का सच बाहर ला पाऊं। सच का पता चल गया, अब बस सबूत जमा करना है मुझे, वरना कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। पता तो ये भी करना है कि मानस ये सब कर क्यों रहा है, जब वो ऑलरेडी आशना के साथ है तो मेरे साथ माफी और शादी का ड्रामा करके मिलेगा क्या इसे? चाहता क्या है मानस? मानस से डील करना है तो उसका पूरा गेम प्लान पता करना होगा मुझे। सोशल मीडिया ना सही,
उसके रूम में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बस एक प्रूफ मिल जाए फिर मैं मानस और आशना दोनों को एक्सपोज कर दूंगी। मानस, क्या हुआ मॉम? तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम चलो तो सही, चलो। क्या हुआ? जानकी माँ, समझाइए ना अपने पोते को। कल से खाना खिलाने की कोशिश करी पर ये खा ही नहीं रहा। बोला मैंने ना कि मुझे भूख नहीं। मानस, अरे तो जबरदस्ती खा और अगर नहीं पचे ना तो उल्टी कर देना, पर जबरदस्ती खा रहा है। शादी होने वाली है तेरी, कौवे की टांग जैसा दिखेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। अजंता जाओ, तुम इसके लिए खाना लाओ, हम खिलाएंगे। जी जानकी माँ। अच्छा चलो, भूख क्यों नहीं लग रही? हाँ वो बस ऐसी। हाँ बस ऐसी, चल बैठ जा। हाँ अब थोड़ी हेल्प प्लीज आप भी कर दीजिए। मानस आशना की प्लानिंग का प्रूफ दिला दीजिए प्लीज। मौली भाभी, ये मानस भैया के कपड़े हैं, बाथरूम में धोने के लिए डालने थे, आप इन्हें डाल दो प्लीज। नो वे, मैं वो रिसीप्ट शर्ट में कैसे भूल गया? थैंक यू, वो मैं इसे ही ढूंढ रहा था। थैंक यू। चल ये चबा चबा के खाना। हूं रिसिप्ट मुझसे मांग भी तो सकता था, खाना छोड़ के आ गया, मतलब ऑलमोस्ट छीन ली। ऐसा क्या है इस रिसिप्ट में? क्या हुआ मौली, कुछ मिला? आई थिंक सो चाची जी, मुझे आपसे एक काम है, मेरे साथ आइए। सर जी, हम भी कपड़ा व्यापारी है, अब उज्जैन के सारे कपड़ा व्यापारी शुभ रेशम साड़ी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, हमें भी उनकी फ्रेंचाइजी चाहिए। क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। हाँ, अरे आप तो बस ऐसा कोई तरीका निकालिए जिसमें आपका भी फायदा हो और फ्रेंचाइजी भी हमें मिल जाए। काम हो जाएगा, पर जैसा कि आप जानते हैं हर अनमोल चीज की एक कीमत होती है। एक काम करते हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, मैं आता हूँ ना आपसे मिलने, बस ये फ्रेंचाइजी किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। ओके, राम राम।
पास इतना कुछ है मम्मी, और मेरे पास हार्डली कुछ महंगे गैजेट, पर्स, कार, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। पापा से 1000 times बेटर है ताऊज, हमेशा उन्होंने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, हमेशा उनको सपोर्ट किया। बस एक बार ये फ्रेंचाइजी मिल जाए, फिर व्यापार और इज्जत दोनों में मुनाफा होगा। जितनी कमियां हैं सब एक झटके में पूरी कर दूंगा। मानस आप बताइए चाची जी क्या हो? मुझे वो डब्बा चाहिए, उतार दोगे? अच्छा वो? हाँ हाँ। बहुत ऊपर है वो, कुछ है जिसपे चढ़ के निकाल सके? हाँ मैं मुड़ा लाई। ये लो बेटा। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। हाँ चाची जी, इस पर्ची की मदद से अब मानस का सच पूरे परिवार के सामने आ जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।